माँ हाँ मैं मित्र जी का झोपड़ी देख चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना मित्र जी को मैं अपना महल दिखाने लेकर जाऊँ। माँ ये तुम क्या कह रहा है रे? नहीं ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इस संसार में मेरा एक ही पुत्र है और तुम अपने घर को ले जाओगे, इसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ और तुम लेकर के चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? नहीं पुत्र तुम अपने घर को चले जाओ। माँ जब तक साथ में मेरे मित्र जी नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। क्या तब तक तुम नहीं जाओगे? नहीं माँ। अरे बेटा ध्रुव तुम्हारे मित्र हट करते हैं कि मैं अपने मित्र को अपने घर दिखाने के लिए ले जाऊंगा, क्या तुम चाहेगा? माँ इसमें आपकी जो इच्छा हो, अगर आप आदेश देंगे जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, अगर आप आदेश नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। माँ अरे पुत्र हाँ माँ तुम्हारे बिना मैं कैसे अकेले रहूंगी रे? हाँ माँ मैं आपके बिगैर मैं कैसे मित्र के घर में रहूंगा? आर्य तोहरो हरण मार बे करे दे दूंगी ले जाने के लिए और बेटा उत्तम तुम अपने मित्र को मेरे पास जल्द से भेज देना क्योंकि मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है पुत्र तो तुम दोनों भाई जा सकते हो और मैं अपने झोपड़े के निकल जाती हूँ। ठीक है माँ तुम जाओ झोपड़ी में बैठकर तुम इंतजार करना। हाँ पुत्र मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ तुम जाओ। हे याबा या जुदी ना चाली होता आप माँ ने आदेश दे चुके हैं अब चलिए उत्तमपुर शहर चलते हैं। ठीक है मित्र जी उत्तमपुर शहर जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है मित्र जी चलिए यहाँ से चलते हैं उत्तमपुर शहर।